आतंकी हमले के खतरों को देखते हुए जम्मू कश्मीर में चल रही अमरनाथ यात्रा को रोक दिया गया है। जम्मू कश्मीर प्रशासन की ओर से शुक्रवार को जारी एडवाइजरी में अमरनाथ यात्रियों और पर्यटकों को जल्द से जल्द कश्मीर घाटी छोड़ने के निर्देश दिए गए। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित राजनांदगांव में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच चली मुठभेड़ में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता हाथ लगी है। सीएएफ, जिला बल और डीआरजी की संयुक्त कार्रवाई में सुरक्षा बलों ने 7 नक्सलियों को मार गिराया है। उन्नाव रेप केस के आरोपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के सभी शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर दिए गए हैं। आरोपी विधायक के जेल जाने के करीब 15 माह बाद उन्नाव के जिला मजिस्ट्रेट की ओर से लाइसेंस निरस्तीकरण के आदेश दिए गए। पंजाब के मोगा में शुक्रवार रात बड़ी वारदात तो हुई है। यहाँ एक नौजवान ने अपने ही परिवार के 5 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि नौजवान की शादी तय हो गई थी, जिसके चलते किसी बात के विवाद को लेकर नौजवान ने अपने ही रिवॉल्वर से अपने परिवार के 5 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी। उसके बाद युवक ने खुद को भी गोली मारकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि नौजवान की शादी आने वाली 12 तारीख को होने वाली थी। जम्मू कश्मीर में शनिवार सुबह सुरक्षा बलों द्वारा आतंकियों का एनकाउंटर शुरू किया गया। यह एनकाउंटर सोपोर के मलमापनपुरा इलाके में किया गया। इस एनकाउंटर के दौरान एक आतंकी के भी मारे जाने की खबर है। देश के 15 राज्यों में शनिवार को तेज बारिश की संभावना। भारतीय मौसम विभाग ने माया नगरी मुंबई के साथ महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा में रेड अलर्ट जारी किया है। सीमा पर देश की सुरक्षा के लिए तैनात जवानों की कलाई रक्षाबंधन के दिन सुनी न रहे। इसके लिए भोपाल से भाजपा की महिला कार्यकर्ता जवानों के लिए राखी भेजेंगी। मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार पिछली शिवराज सरकार के समय हुए किसान सम्मेलन और बस अधिग्रहण मामले की जांच करवाएगी। मध्य प्रदेश में आपकी सरकार आपके द्वार अभियान के तहत डिंडोरी जिले में कलेक्टर सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारियों ने 1.5 किलोमीटर तक पैदल चलकर और नदी पार करके जन चौपाल लगाई और ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। मध्य प्रदेश में भाजपा का सदस्यता अभियान का टारगेट पूरा करने के लिए अब सिर्फ 9 दिन ही बचे हैं, लेकिन भाजपा अब तक सिर्फ 4 जिलों में ही टारगेट पूरा कर पाई है। इतना ही नहीं, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के जिले में भी आधा ही टारगेट हासिल कर पाई है भाजपा। ग्वालियर में लोकायुक्त की टीम ने भू अभिलेख विभाग के एक कर्मचारी के 3 ठिकानों पर छापामार कार्रवाई की है। इस दौरान लोकायुक्त की टीम ने लाखों की काली कमाई उजागर की है।